देश में सबसे ज्यादा सर्पदंश से होने वाली मौत के जिम्मेदार काले नागराज को प्राणी मित्रों ने जीवन दान देते हुए उनके प्राकृतिक आवास में रिहा किया। आपको बता दें कि करीब एक महीने पहले मुंबई के दहिसर पूर्व वैशाली नगर घाटन पाड़ा नंबर एक में रहने वाले स्वप्निल पांचाल के घर एक चश्माधारी कोबरा अर्थात स्पेक्टेकल्ड कोबरा निकलने से सनसनी फैल गई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तुरंत प्लांट्स एंड एनिमल वेलफेयर सोसाइटी अर्थात PAWS मुंबई और अम्मा केयर फाउंडेशन के हेल्पलाइन पर फोन कर दिया था। खबर मिलते ही पॉज मुंबई और ACF के स्वयंसेवक आकाश पांड्या, किरण रोकड़े और विजय वर्थे ने समन्वयक निशा कुंजू के अगुवाई में 5.5 फुट लंबे जख्मी नागराज को पकड़ लिया और उसे अपने डॉक्टरों से उसकी जांच कराई। ACF के निशा कुंजू की माने तो नागराज जख्मी और बहुत कमजोर था। वन विभाग को उसकी जानकारी देने के बाद वन्यजीव पशु वैद्य के डॉक्टर मनोज पिंगले ने जख्मी सांप को एंटीबायोटिक और इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से इलाज शुरू किया। सांप के जख्मों को ठीक होने और तंदुरुस्त होने में तकरीबन एक महीने का समय लगा, लेकिन वन परिक्षेत्र अधिकारी संतोष कंग की अगुवाई में पॉज और ACF के स्वयंसेवक सुनीश सुब्रमण्यम, निशा कुंजू, तन्मय कोलते और उनकी टीम ने नागराज के तंदुरुस्त होते ही उसे प्राकृतिक आवास में रिहा कर दिया। प्लांट एंड एनिमल वेलफेयर सोसाइटी और अम्मा केयर फाउंडेशन का हेल्पलाइन में कॉल था दहिसर से, जो रेजिडेंशियल एरिया में एक स्नेक दिखाई दे रहा है जो काला रंग का था, जो हमारा वॉलंटियर्स ने रेस्क्यू किया तो निकला कोबरा था ब्लैक रंग का, जो इंजर्ड था और काफ़ी वीक था, जिसे हमारा वेटनरी डॉक्टर मनीष पिंगले उन्होंने ट्रीटमेंट दिया और लगभग एक महीना ये ट्रीटमेंट चला। उसके बाद आखिर में हमने फिट होने के बाद उसको नेचुरल हैबिटेट में रिलीज कर दिया।